बच्चों, मैं आपकी मुक्ता मैम स्टैंडर्ड थर्ड के बच्चों के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन से लेसन नंबर 5 पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हाँ तो बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले बातों बातों में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, मैं प्रश्न पढ़कर आपको उनका सबसे पहले जवाब देती हूँ। तो देखिए बच्चों, देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारे देश में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं? हमारे देश में अब तक 14 राष्ट्रपति हुए हैं। हाँ तो बच्चों, आगे देखिए, सादा जीवन उच्च विचार महापुरुषों की पहचान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति होते हुए भी बहुत सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। उनके मन में छोटे बड़े का कोई विचार नहीं था। बच्चों, सादगी ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। यही विशेषता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व में थी। उनके जीवन में बहुत ही सरलता थी। उनका रहन सहन एकदम साधारण था। उनके मन में कुछ भी छोटे और बड़े का विचार नहीं था। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में एक गुण सादगी का शामिल करते हैं तो लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह से आप भी अच्छे बने, महान बने, सादगी को अपनाएं। तो देखिए, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी एक कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ और आप भी बहुत मन से इस कहानी को सुनेंगे, जिससे कि आपको भी अपना जीवन कैसा बनाना है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ओके, देखिए बच्चों, सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता और उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। इस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती। वह उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर जाता। तभी कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया। वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा लें। देखिए, सुबह का समय था। गज्जन जो था एक, कहना चाहिए, सेवक था, जो कि पानी भर रहा था और जब बाल्टी भर जाती थी तो उसको उठाकर भवन की ओर दौड़ता। क्यों? क्योंकि वहां नहाने वाले लोग होंगे तो उनको पानी की व्यवस्था कर रहा था। उसने देखा कि कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती लिए हुए एक व्यक्ति वहां आया और उन्होंने बहुत ही, कहना चाहिए, बहुत ही प्यार से बोला कि भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा लें। तुम्हें क्या जल्दी है? किसने कहा? गज्जन ने। तुम्हें क्या जल्दी है, कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है, गज्जन ने कहा। समझ में आया? गज्जन ने जब बाल्टी मांगने पर क्या उत्तर दिया कि तुम्हें क्या जल्दी है, भाई आप थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, पानी पहले मुझे अंदर पहुंचाने दीजिए, उसके बाद आप अपना काम करना। बस एक बाल्टी दे दो, झट से दो चार लोटे पानी डाल लेंगे, उस व्यक्ति ने कहा। गज्जन का ऐसा कहने पर उस व्यक्ति ने उनको फिर मनाया कि भाई थोड़ी देर के लिए बाल्टी दे दो, मैं बहुत जल्दी से नहा लूंगा। अरे तुम समझते क्यों नहीं, आज सवा है, भीतर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है, देर मत करवाओ, गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा। गज्जन ने फिर उनको जवाब दिया कि भाई आप समझ क्यों नहीं रहे हो, आज सभा है, सभा यानी मीटिंग है, और मुझे जो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं उनके नहाने की व्यवस्था करनी है, जल्दी से जल्दी उनको पानी पहुंचाना है। और ऐसा कहते हुए गज्जन ने उस व्यक्ति से कहा कि आप मेरे काम में देर मत करवाओ, और बाल्टी लेकर चला गया। अच्छा लाओ, हम भी आपकी मदद कर देते हैं, उन्होंने बहुत ही सरलता से कहा। अच्छा तो आप परेशान हैं, लाओ मैं आपकी मदद कर देता हूँ, वह व्यक्ति बोला।
समझ में आया। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा, बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगा। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा। जब उस व्यक्ति ने गज्जन की मदद की, काम जल्दी हो गया, गज्जन फ्री हो गया और थोड़ा आराम करने लगा, सुस्ताने लगा, यानी थोड़ा रेस्ट लेने लगा। ठीक है, उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। थोड़ी देर में सभा शुरू हुई। स्वयंसेवक नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे। गज्जन भी उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। ये तो वही है जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। अब सब लोग नहा धोकर तैयार हुए, मीटिंग स्टार्ट हुई, यानी सभा शुरू हुई। अब जो स्वयं सेवक थे, यानी स्वयं सेवक का मतलब जो खुद से सेवा करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो सबके लिए गिलास में शरबत भर भर कर दे रहे थे। उनमें गज्जन भी शामिल था और ये काम करवा रहा था। तो क्या हुआ कि उसने देखा, अरे ये व्यक्ति तो वही है जो मुझसे बाल्टी मांग रहा था, ये क्या। उनको देखते ही गज्जन एकदम हक्का बक्का रह गया, यानी एकदम कहते हैं ना, मैं एकदम चौंक गया, मैं एकदम स्तब्ध रह गया, मैं एकदम शॉक्ड हो गया। समझ में आया। तो गज्जन भी उनको देखकर एकदम शॉक्ड हो गया। अब देखिए, गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये तो अपने राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन जब एकदम शॉक्ड हुआ तो उनको देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, आप इन्हें नहीं जानते, ये तो अपने राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। राजेंद्र बाबू मुस्कराए और गज्जन को गले से लगा लिया। देखो बच्चों, गज्जन एकदम घबरा गया कि ये तो इतने बड़े पद पर हैं, इतने बड़े आदमी हैं और मैंने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया। मेरा बिहेवियर बहुत कैसा था, बहुत ही रूडली मैंने इनसे बात की, तो एकदम डर गया। और उन्होंने, वो गज्जन जो था, अपनी कहना चाहिए अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए राजेंद्र बाबू के पैरों में गिर गया। राजेंद्र बाबू ने मुस्कुराते हुए गज्जन को गले से लगा लिया। अब आप देखिए, राजेंद्र बाबू के मन में कोई छोटे बड़े का विचार था, गज्जन की बात को राजेंद्र बाबू ने बुरा माना, नहीं माना ना, बाल्टी नहीं दी, नहाने के लिए मना किया, और जब उसने माफ़ी मांगी तो बहुत प्यार से उसको गले से लगा लिया। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था, एकदम सिंपल, बहुत ही सरल, सादा, बहुत ही प्यारा सा उनका व्यक्तित्व था, यानी उनकी पर्सनालिटी बहुत ही सिंपल थी। सादगी के पुजारी ये राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति बने। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वो इतने बड़े भवन में रहते थे, यानी राष्ट्रपति भवन में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने जो रहन सहन के स्तर को नहीं बदला। ना तो उन्होंने महंगी महंगी गाड़ियां ली और ना ही उन्होंने महंगे महंगे कपड़े पहने और ना ही उन्होंने महंगे महंगे और शॉप मॉल पूरे किए। वो हमेशा कैसे रहे, एकदम साधारण रूप से उन्होंने एक आम आदमी जैसी जिंदगी गुजारी। ये वे सदा एक साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। देखिए, हाँ तो बच्चों, आपने समझा, कुछ समझ में आया कि राजेंद्र बाबू कितने साधारण व्यक्ति थे। समझ में आया। देखो बच्चों, हम जितनी सादगी से रहते हैं, लोग हमें उतना ही पसंद करते हैं। दिखावा सिर्फ एक धोखा होता है। हम अपने गुणों को अवगुणों में कभी ना बदलें।
हम कितने भी बड़े गुणवान क्यों ना हों, विद्वान क्यों ना हों, धनवान क्यों ना हों, पद प्रतिष्ठा कितने भी बड़े कहना चाहिए साधनों से संपन्न क्यों ना हों, लेकिन हमेशा कैसा जीवन होना चाहिए, सादगी भरा, सरलता भरा और दूसरों से कभी भी भेदभाव न करने वाला। तो बच्चों, हमें अपने व्यक्तित्व में चार चांद लगाने के लिए एक ही सिद्धांत अपनाना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ओके।